दोस्तों, आपने गोपालगंज का एक वीडियो देखा था, सरसों तुल उद्योग का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको एक मशीन दिखाई थी कि एक लड़का लगा के लाखों का महीना कमा रहा है। काफी सारे मिलियन में लोग वीडियो देखे थे और काफी सारे लोग का प्यार मिला था, काफी सारे लोग मशीनों का इंक्वायरी किए थे। तो उस वीडियो में आपने देखा होगा अमर नाम की कंपनी की मशीनें लगी हुई थी और आज उस कंपनी में हम लोग पहुंच चुके हैं जो 1976 से लगातार इस तरह की मशीनें बना रही है। आप देखेंगे आज हम लोग उस फैक्ट्री में पहुंचे हुए हैं और ये पूरा मशीनें बन रही है, ये रियल मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं। बहुत सारे इंक्वायरी आ रहा था, बहुत सारे कमेंट आ रहा था उस वीडियो के, भाई ये मशीनें कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे। आज उसकी तलाश में हम लोग दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पहुंच चुके हैं और ये पूरी फैक्ट्री है। भैया हमारे साथ है, पूरा फैक्ट्री टूर करेंगे हम लोग, कैसे मशीनें बनाई जाती है और कैसे आप यहाँ से मशीनें खरीद सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और क्या कुछ कमाई होता है इस उद्योग में। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। बाकी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, एक बार अपना परिचय देना। मेरा नाम हर्षित कालरा है। मेरे पिताजी का नाम सुनील कालरा है, वो यहाँ के प्रोप्राइटर हैं अमर एक्सपेलर कंपनी के। अमर की नकली मशीनें भी काफी बिकती हैं, ऑल ओवर इंडिया बिकती है हल्की मशीनें, पर मेन हम लोग का रहता हैवी ड्यूटी मशीनें, हैवी क्वालिटी में बना के। आज के टाइम में क्योंकि कस्टमर आप कहीं भी ढूंढ लो, कहते तो सभी हैवी ड्यूटी है, पर हैवी ड्यूटी बनाने में और देने में बहुत अंतर होता है। वजन आपने बोल दिया, मशीन का वजन 14 क्विंटल है, 1400 किलो है और बोल दिया, और असल में जो तोला तो निकला 11 क्विंटल। हमारे यहाँ पे सब नहीं होता, शुद्ध देसी घी की जलेबी हम बनाते हैं, कम बनाते हैं पर शुद्ध देसी घी की जलेबी बनाते हैं और वही कस्टमर को देते हैं। अच्छा, आजकल एक अलग मशीन की धूम मची हुई है जो नई टेक्नोलॉजी के लोग मशीनें बोलते हैं और विदेशों की मशीनें हैं, विदेश से आती है और इंडियन मशीनें जो आप लोग बोल्ट वाली मशीनें बनाती हैं, आजकल काफी उसका डिमांड बढ़ा हुआ है। जी, जी, उसमें जी। और इसमें क्या डिफरेंस है, किस तरह आपकी मशीनें अलग है उससे? देखिए मेन तो मार्केटिंग का सारा सिस्टम रहता है। मार्केटिंग किसी चीज की आप कैसे भी कर दो वो वैसे बन जाता है। अब पहली बात तो वो इंडिया में वाली मशीनें बनती नहीं, वो सारी मशीनें चाइना या ताइवान में बनती है। 700-600 किलो वजन की मशीनें है। चाइना हम भी गए थे, हम भी मिलकर आए सबसे, वो यही कह रहे हैं कि 2-3 बार में पिराई होती है, एक बारी में पिराई नहीं होती। इंडिया में कोल्ड प्रेस कह के, सिंगल वारी में क्रशिंग कह के उसको बेचा जा रहा है। अब कस्टमर जब वो लगाता है ना तो वो कोल्ड प्रेस निकलता है ठंडा तेल, क्योंकि जब वर्म उसके अंदर भी वर्म लगा है, इसमें भी वर्म लगा है, उसमें आरपीएम होता है 45, इसमें होता है 35, तो तेल ठंडा कैसे निकल जाएगा। दूसरी बार एक ही बारी में पूरा निचोड़ नहीं होता। जिन कस्टमर ने लगाई है चाइना वाली मशीन, वो वापस आके हमें कम से कम 50 लोग ऐसे बता चुके हैं कि चाइना वाली मशीन में एक बार में पिराई नहीं होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी मशीन की साल में 6000 है, उस मशीन की साल में कम से कम 40000 रुपए है। सेकेंडली बात आती है कितना लॉन्ग लाइफ चलेगी मशीन। ये एक्सपेलर आज के टाइम में भी 50-50 साल पुराने लगे हुए हैं और चल रहे हैं बहुत बढ़िया। चाइना वाली मशीनें 1-2 साल चलती हैं और उसके बाद स्क्रैप हो जाती हैं, क्योंकि बहुत हल्के पैटर्न में बनी हुई है। मेन ये अंतर रहता है मशीनों में। इन मशीनों का डिमांड है अभी आपके यहाँ से लोग ले जाते हैं? देखिए टचवुड हमारे यहाँ पे आपको मशीनें जैसे आस पड़ोस में लाइन में लगी हुई दिख रही हैं, हमारे यहाँ पे बनती है जाती है और हमारे पास अभी फुल डिमांड है। डीलर कस्टमर जिनको भरोसा है अभी भी हैवी ड्यूटी मशीनों में, वो हमारे पास आते हैं और लेके जाते हैं। अभी भी हमारे पास ऑर्डर्स बुक्ड हैं ऑलरेडी। ये दो मशीनें जो खड़ी हैं पीली वाली, ये कोयम्बटूर जा रही हैं और ये जा रही हैं उनके पास, परफेक्ट इंजीनियर्स के पास जो वुडन कोलू बनाते हैं, वो हमसे एक्सपेरियंस लेते हैं। ये क्या क्या बनाते हैं इसमें मशीनों में, आप सारी चीजें यहाँ असेंबल करते हैं? का सब कुछ यहीं पर है। देखिए असेंबलिंग का कहने का मतलब है कि मशीनिंग हुई हुई चीज आपके पास आई है। कास्टिंग हमारे पास आती है, कास्टिंग का पैटर्न हमारा अपना है। जैसे ये आपका पैर है, ये पैर का जो मोटाई आप देख रहे हैं, इस पैर का एक वजन 50 किलो है, ये रफ कास्टिंग है। यही आप बाकी इंडिया में जो मशीन बना रहे हैं उसका वजन देखेंगे, ये एक पैर 30 किलो का आता है। अब इसके अलावा अंदर का स्पेयर पार्ट हो गया, जो साथ वाली फैक्ट्री में हमारा बन रहा है, वरम हो गया, पत्ती, ब्रश, कॉलर, सब कुछ हाई टेम्पर का रहता है। हाई टेम्पर कहने का मतलब हार्डनेस ज्यादा रहती है। वही वरम जो मार्केट में 6 महीने चलता है, हमारा वरम वो 1 साल चलता है। यहाँ पे सारी मशीनिंग हो रही है, सामने वाली आपकी जो मेन मशीन है उसपे बॉडी मशीनिंग हो रही है, बोर होता है उसपे। ये जो सारे हमारे स्टाफ है, सारा आप मान के नहीं करेंगे, 50,000-60,000 पर मंथ इनकी सैलरी है। इसलिए हम एक दिन में सिर्फ 2 मशीनें बना पाते हैं, नहीं तो बनाने को आप कितनी मशीनें बना लो, 50 बना लो, 60 बना लो,
पर हमारे यहाँ पे एक एक चीज को प्रॉपरली हम लोग दिखाते हैं, प्रॉपरली देखते हैं, और अगर कुछ भी हमें डाउट लगता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो हम आगे लेके जाते हैं, उसको स्क्रैप कर देते हैं। अच्छा, मशीनों की गारंटी वगैरह भी कुछ देते हैं आप? देखिए, मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग की पूरी डिफेक्ट की गारंटी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है हमारी गारंटी है, क्रशिंग कैपेसिटी की पूरी गारंटी है, निचोड़ पूरे आने की पूरी गारंटी है। बाकी देखिए, ये इलेक्ट्रिकल आइटम नहीं है, लोहे के आइटम है, इसमें दो तीन चीजें हैं जो एक कस्टमर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब अक्सर क्या होता है, जो मिस्त्री है बहुत पुराने जमाने के रहते हैं, जैसे बिहार में है बहुत पुराने टाइप के मिस्त्री है, तो उनको अभी भी वो उस टाइम पे चल रहे हैं, बुश वाले सिस्टम है, ऑल द बेयरिंग मशीन हो गई है, तो हम दो तीन लोगों का नंबर देते हैं, जो पटना में भी एक मिस्त्री है, चंदन मिस्त्री, वैसे ही आपका सिवान में मिस्त्री को बुलाइए, फिटिंग सही से कराइए। दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि भाई सरसों में पानी कितना डालना है, और जो गाला है उसका, जो केतली का वो है ढक्कन, थोड़ा खोलना है ताकि माल ज्यादा ना फीड करे, ज्यादा फीड करेगी तो जाम लग जाएगा। सेम चाइना वाली मशीनों में भी है ये दो तीन चीजें, ये सारी चीजें, सारी चीजें जो नए लोग आते हैं, क्योंकि नया उद्योग लगाते हैं, उनको जानकारी नहीं होता है, गाइड करते हैं आप लोग पूरा पूरा। आप कभी भी फोन करिए, आपको एक कॉलर भी चाहिए, हम लोग कोरियर कराते हैं। कंपनी ऐसा नहीं है, कंपनी अगर लगा के बैठे हैं तो यहाँ पे कस्टमर से इंटरेक्शन करेंगे। हमारे यहाँ पे जो कस्टमर है, कस्टमर नहीं परिवार हम बना के चलते हैं। 50,000 साल पुराने लोग हैं, भागलपुर में, गया में, बिहार शरीफ, पटना में, जिन्होंने एक एक्सपेलर लगाया था, आज 5-5 हमारे एक्सपेलर चला रहे हैं, और अभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, स्पेयर पार्ट भी जाता है, एक्सपेलर भी जाता है, सब कुछ जाता है। अच्छा, स्पेयर पार्ट भी ये खुद की इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, पीछे दिखाएंगे, सारा वरम पत्ती सब वही बन रहा है, सारा लोहे का पोला होता है, कटाई होती है। अभी देखिए वो सामने रफ वरम है जो तैयार हो रहा है, आशीष जी, हाँ, ये क्या तो सामने ड्रिल के पास जो पड़ा है वो रफ वरम है, कच्चे वरम जो तैयार हो गए, अभी ये भट्टी में जाएंगे हाई टेम्पर होने के लिए, वहां से आगे ग्राइंडिंग होगी, उसके बाद इन्हें मशीन में लगाया जाएगा। अच्छा, अगर कोई फैक्ट्री से डायरेक्ट आपसे जुड़ के मशीनें लेता है, कितना बेनिफिट हो जाएगा वो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ के सीधे आपसे संपर्क कर? देखिए, डीलर है, डीलर अपना मार्जिन 10,000 से 20,000 रुपए जोड़ के चलता है, बाकी हम लोग डीलर्स को भी वो नहीं करते, डिसअपॉइंट नहीं करते, हम लोग अपना ऑन रेट भी डीलर रेट पे भी दे देते हैं कस्टमर को, फिर भी डीलर के लिए उसमें से निकाल लेते हैं, क्योंकि डीलर मैं अगर यहाँ पे सीधे फैक्ट्री में पहुंचा हूँ, अगर सीधे आपसे मुलाकात हो रही है, तो हमारे व्यूअर को कितना फायदा मिल सकता है? सर, कम से कम 10,000 से 20,000 रुपए का तो अंतर रहता है, मिनिमम मिनिमम तो मिनिमम होता है। यही मशीन जो आपको हम 176, 198 की दे रहे हैं, वो वहाँ पे आपको 190 की पड़ेगी, इतना अंतर कम से कम रहता है। स्टार्टिंग प्राइस क्या है मशीनों का आपके? स्टार्टिंग प्राइस 24,000 जो हैवी ड्यूटी बना रहे हैं, उसका वजन 1200 किलो रहता है, हाई टेम्पर वरम पत्ती के साथ, वो आपकी 1,54,000 की मशीन है प्लस जीएसटी। कितना एचपी की रहेगी वो? 7.5 HP की मोटर पे चलता है, विदाउट एनी नॉइज, विदाउट वो तो आप सब चीज चुके हो, आपको पालगंज रिसीव करके आया, जितनी भारी मशीन रहती है उतनी वाइब्रेशन कम होती है, उतनी आवाज कम रहती है। अच्छा, अभी लोहा क्या रेट चल रहा होगा? लोहा इस समय आपका चल रहा है 52-52। अभी 52 रुपए की लोहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए 10-15 साल मशीनें आप चलाते हैं, उसके बाद भी लोहे का रेट और बढ़ेगा, उसके बाद कबाड़ में भी अगर आपकी मशीनें सेल करते हो, उसका रेट आपको मिलेगा? मन में आपको डाउट होगी भाई कहीं फैक्ट्री नहीं चला, मशीनें क्या होगा? मशीनें तो रीसेल हो जाती है, रीसेल नहीं भी करते हैं, कबाड़ में भी बेच देते हैं, तो लोहे के रेट आपका मतलब क्या? 1400 किलो का लोहा है आपका, 1400 किलो लोहे का यूज करके आप मशीन में चल बड़े आराम से, एक तो ये बेनिफिट हो गया, प्लस उन मशीनों से प्राइस कम है, प्राइस कम, मेंटेनेंस कम है। और ये अच्छा, पक्की घानी कच्ची घानी का क्या डिफरेंस? सर देखिए, कच्ची घानी एक्चुअल में जो सच है वो है, जो लकड़ी का कोलू होता था ना, भैंस होती थी, लकड़ी का कोलू होता था, वो घुमाती थी ऐसे, इसे कच्ची घानी का तेल बोलते हैं असल में। अब यहाँ पे मार्केटिंग लोगों ने कर करके कच्ची घानी करना शुरू कर दिया, एक्सट्रेलर में निकलता है वो भी कच्ची घानी, और जो उसमें निकलता है वो भी कच्ची घानी, चाइना वाले में निकलता है वो भी कच्ची घानी। अच्छा, कच्ची घानी का असल मतलब है कि लकड़ी से धीरे धीरे 5 RPM में निकले तो विदाउट एनी हीट, इसमें जो हीट होती है 50 से 60 डिग्री होती है, कच्ची घानी में 20 डिग्री होती है, चाइना वाले में 120 से 130 डिग्री होता है। अच्छा, उसको आप अंदर स्टीमर लगा के ठंडा कर लो वो अलग बात है, पर देखिए उसके अंदर का जो पौष्टिक आहार है वो तो खत्म हो गया ना, तो इसलिए जो 50 साल 100 साल से एक्सपेलर चलते आ रहे हैं और अभी भी आगे चलेंगे, कस्टमर लगा रहे हैं जरूर, एक नई वेव आती है हर प्रोडक्ट की, कोई बात नहीं चल रहा है, पर हम लोगों ने हिम्मत नहीं करी कि हम किसी और का प्रोडक्ट ला के बेचें, जिस चीज़ पे हमें भरोसा नहीं वो हम नहीं बेचते, अपने पे ठोस भरोसा है, इससे ठोक बजा के बात भी करते हैं और बोलते हैं,
और कस्टमर हमें वीडियो बना बना के भेजते हैं, एक नहीं कम से कम 200-300 वीडियोस हैं, कस्टमर खुद बना बना के भेजते हैं, हम नहीं जाते कहीं भी। देखिए मैं तो तलाश करते हुए पहुंचा, क्योंकि हमारे जो वीडियो मिलियन में चले हुए हैं वो वाले गोपालगंज वाले, आपने भी देखी होगी, और उस वीडियो में लगातार कमेंट आ रहे थे कि हमारे की मशीन जो आप दिखा रहे हो कहाँ मिलेगी। जी, जी, जी। मैं आज आपके पास पहुंचा हूँ, कैसे लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? आप गूगल पे जाके हमारे एक्सटेलर कंपनी टाइप कर देंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब के पेज से, इंस्टाग्राम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस सब मिल जाएगा, आप हमें डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको दो रेफरेंस देंगे, या तो आप डीलर के थ्रू बात करिए, और अगर आपको डीलर के थ्रू नहीं समझ आ रहा तो आप डायरेक्टली हमसे परचेज कर सकते हैं फुली आजाद में। डीलर के लिए आप जरूर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि इस समय नकली मशीनें बहुत चल रही हैं अमर की, पूरे बिहार झारखंड में एमपी में नकली मशीनें बेची जा रही हैं जो कानपुर में बन रही हैं। तो कोई अगर मशीन कंपनी वाले आपसे डीलर प्राइस पे मशीन लेना चाहे वो लोग भी आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, स्क्रीन पे आपको नंबर दे दूंगा, कोई भी जानकारी चाहिए यहाँ का कॉल करके बात कर सकते हैं। जैसे भैया ने बताया कि इस नाम की बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपी भी तैयार हो चुकी है, तो ये सीधे हम लोग फैक्ट्री में पहुंचे हुए हैं, और ये फैक्ट्री इसलिए दिखा रहे हैं कि ये ओरिजिनल हमर कंपनी यही है, और पूरा स्क्रीन से आपको नंबर मिल जाएगा, कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा फैक्ट्री विजिट कराने के लिए, डिटेल बताने के लिए। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, हमारे कोई भी सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह की मशीनें जो तलाश कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।